Did you ever think you would be free? I hoped. Jack, I wasn't always in room. Got a chance. I'm scared. I know. I've survived without him. Room. मूवी शुरू होती है और हम एक बच्चे को अपनी माँ के पास सोते हुए देखते हैं। इस बच्चे का नाम जैक होता है और इसकी माँ का नाम मिया होता है। वेल, ये दोनों एक रूम में होते हैं जहाँ कोई विंडो नहीं होती है। ये रूम पूरी तरह से पैक होता है। इस रूम में ऊपर एक स्काई लाइट थी जहाँ से रूम में थोड़ी रोशनी आती थी। अब जैक सोकर उठता है और अपनी कहानी बताना चालू कर देता है। वो बताता है कि एक समय की बात है, जब मैं इस दुनिया में नहीं आया था तब मेरी मॉम ज़ोर ज़ोर से रो रही थी जब तक वो ज़ॉम्बी नहीं बन गई थी। फिर हेवन से एक रोशनी इस रूम में आई और फिर मैं पैदा हुआ। जैक की बातों से हमें पता चलता है कि जैक ने अभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। वो जब से पैदा हुआ है वो इसी रूम में है। इसके बाद वो सभी चीज़ों को गुड मॉर्निंग बोलता है, जैसे कि बेड, टीवी, फ्रिज, सभी को वो गुड मॉर्निंग बोलता है और काफ़ी एंजॉय करता है। जैक का दोस्तों यहाँ पर आज बर्थडे होता है। वो 5 साल का हो चुका है, इसलिए उसकी मॉम मियाँ उसके लिए केक बनाती है। लेकिन उस केक में कैंडल ना होने की वजह से जैक मियाँ पर काफ़ी चिल्लाता है, लेकिन मियाँ उसे गले से लगा देती है। वो उस पर गुस्सा नहीं होती है और मियाँ को देख कर ऐसा लग रहा था कि मियाँ बहुत ही ज़्यादा उदास है, उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। वेल गाइज, इन लोगों को यहाँ इस रूम में क्यों रखा गया ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब मियाँ जैक से बोलती है कि रात में ओल्ड निक जब आएगा यहाँ पर तो उसी से कैंडल मांग लेना। इसके बाद हम ओल्ड निक को देखते हैं जिसने ही मियाँ को 7 साल से यहाँ पर कैद करके इस रूम में रखा था। वो डेली रात में आता था और मियाँ के साथ ज़बरदस्ती करता था, जिसके बाद जैक पैदा हुआ था। जैक कभी भी यहाँ से बाहर नहीं गया था दोस्तों, इसलिए मियाँ ने उसे सारी सच्चाई छुपाई थी कि बाहर कोई असली दुनिया है। वो हमेशा उसे बताती थी कि हम लोग एक स्पेस में रहते हैं, एक आउटर स्पेस में रहते हैं, हमारे आसपास एलियन है। वो बताती थी कि जो भी तुम टीवी पे देखते हो वो सब फेक है, वो सब नकली है। जो ट्रीज, समुंदर, आदमी, जो भी हम टीवी पे दिखाए जाते हैं वो हर चीज़ नकली है। वेल, उसके बाद हम ओल्ड निक को देखते हैं जो कि सारे फूड वगैरह सारी सप्लाई लेके मियाँ के पास आता है। मियाँ उसे विटामिन के बारे में पूछती है। एक्चुअल में दोस्तों जैक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है क्योंकि उसे सनलाइट और बाहर की फ्रेश एयर नहीं मिल रही थी, इसलिए मियाँ उसे विटामिन की गोलियाँ खिलाती थी। लेकिन आज ओल्ड निक उसके लिए वो गोलियाँ नहीं लाया होता है, तो वो बताता है कि मेरी 6 महीने से जॉब चली गई है और मैं इन सब फालतू सामान पर पैसे नहीं खर्च कर सकता हूँ। अब रात में हम जैक को देखते हैं जो कि अपने क्लोजेट से बाहर निकलता है और वो देखना चाहता था कि ओल्ड निक दिखने में कैसा इंसान है, क्योंकि उसने अभी तक उसे देखा नहीं था। दोस्तों जैक का मानना था कि ओल्ड निक के पास कोई मैजिक है और ये सभी चीज़ें जो इन लोगों के पास वो लाता है वो मैजिक से लाता है, इसलिए रात में वो उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और ओल्ड निक की भी आँखें खुल जाती है, वो उसे भी देखता है। लेकिन इसी बीच मियाँ की जब आँख खुलती है तो वो ओल्ड निक को पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि मेरे बेटे से दूर रहो, मेरे बेटे को मत छूना। ये सारी चीज़ें देखकर ओल्ड निक उसे थप्पड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम एक माँ को अपने बेटे के लिए प्यार दिखाते हुए देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। सो गाइज, मियाँ जैसी भी इस रूम में रहती थी लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उस आदमी के साया उसके बेटे पर पड़े जिसने उसे यहाँ पर कैद करके रखा है, इसलिए वो हमेशा जैक को क्लोजेट में सुलाती थी जब भी ओल्ड निक उसके पास आता था। जब अगले दिन मियाँ सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके रूम की पावर कट हो गई है और ऐसा ओल्ड निक ने किया था उसे सज़ा देने के लिए जो भी कल रात इंसिडेंट हुआ था। अब दोस्तों पावर ना होने की वजह से रूम में हीटर भी बंद हो जाता है और रूम में ठंड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अब ये लोग एक दिन उसी ठंड में गुजारते हैं और इन सभी बातों से मियाँ बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो जैक को अब सारी सच्चाई बता देगी कि बाहर कोई भी आउटर स्पेस नहीं है। वो उसे सारी सच्चाई बताना चालू कर देती है। वो बोलती है कि जो भी तुम टीवी में देखते हो वो हर चीज़ वो रियल है, जो टीवी में तुम पिक्चर्स देखते हो, जो लोगों को देखते हो, वो हर चीज़ रियल है। इन सब चीज़ों को जानकर अचानक से जैक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसका मानना था कि ये सारी चीज़ें नकली हैं, ये सारी चीज़ें फेक है, ये सब बनावटी है। अब मियाँ उसे गोद में उठाती है और उसे स्काई लाइट पर एक पत्ती दिखाती है, एक लीव्स दिखाती है। जैक बोलता है कि लीव्स का कलर तो ग्रीन होता है, ये येलो कैसे हो गया है। और इन सब बातों को अचानक से जानकर वो मियाँ पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम बार बार मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। अब अगले दिन जैक टीवी देख रहा होता है और जो जो चीज़ टीवी में आती है वो सारी चीज़ें वो मियाँ से पूछता है बार बार कि क्या ये सच है। यहाँ पर मियाँ दोस्तों एक प्लान बनाती है यहाँ से भागने के लिए। वो जैक से बोलती है कि वो उसके सर पर एक गर्म कपड़ा रखेगी जिससे कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए और जब ओल्ड निक उसके पास आएगा तो वो उसे बेवकूफ़ बनाएगी कि जैक की तबीयत ख़राब है, और जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा तो जैक सभी को सच्चाई बता देगा कि वो लोग एक रूम में बंद है ताकि पुलिस उनकी मदद कर सके। और दोस्तों ऐसा ही होता है। जब अगले दिन उसके पास ओल्ड निक आता है तो मियाँ उसे बताती है कि जैक को बहुत ही ज़्यादा तेज़ फीवर है, लेकिन ओल्ड निक उसे बोलता है कि वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा और वहाँ से वो बोलता है कि मैं इसके लिए अगले दिन दवाइयाँ ले आऊँगा जिससे कि ये ठीक हो जाएगा। तो वो जैक को बाहर आने के लिए मना करता है और यहाँ पर दोस्तों मियाँ का जो प्लान होता है वो फ्लॉप हो जाता है। लेकिन अगली रात वो एक और प्लान बनाती है और बोलती है जैक से कि तुम्हें एक्टिंग करना पड़ेगा, कि तुम फीवर की वजह से तुम्हारी मौत हो चुकी है। और मियाँ उसे कारपेट में लपेट देती है ताकि जब ओल्ड निक आएगा तो उसे दफनाने के लिए बोलेगी, और जैसे ही वो ट्रक से उसे ले जाने लगेगा वो ट्रक से कूद कर भाग जाएगा और ज़ोर ज़ोर से पुलिस को बुलाएगा। ऐसा ही होता है दोस्तों। अगले दिन जब ओल्ड निक मेडिसिन लेके उसके पास आता है तो उसे पता चलता है कि जैक की फीवर की वजह से मौत हो चुकी है।
और वो उसे देखना चाहता था, लेकिन मियाँ उसे जैक को छूने से मना करती है और बोलती है कि उसी की वजह से उसके बेटे की जान चली गई है। अब मियाँ को इतना ज़्यादा रोते हुए देखकर ओल्ड निक सोचता है कि वो सच बोल रही है और वो जैक को ट्रक में रखकर ले जाने लगता है। अब ट्रक हिलने लगता है तो जैक को पता चल जाता है कि वो स्टार्ट हो गया है और थोड़ी दूर आगे जाने पर जैक कारपेट को रोल आउट करके बाहर निकलता है और खुले आसमान और आसपास की चीज़ों को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि उसने 7 साल से कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। वो ट्रक से कूदने की कोशिश करता है लेकिन ट्रक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होता है तो कई टर्न लेने के बाद एक स्टॉप पर रुकने पर वो ट्रक से कूद कर भागने लगता है और यहाँ पर ओल्ड निक उसे देख लेता है। जैक भागते हुए एक आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी जैक से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। इसी बीच ओल्ड निक उसे पीछे से आकर पकड़ कर ले जाने लगता है और जैक उस आदमी से हेल्प हेल्प बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी मॉम की हेल्प करो। यहाँ पर वो आदमी को कुछ शक होता है और वो बोलता है कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही दोस्तों ओल्ड निक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जैक को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। अब जैक अकेले ही वहीं ज़मीन पर पड़ा होता है और थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर जो मेल ऑफिसर होता है वो बार बार बोल रहा था कि इस बच्चे को हमें चाइल्ड सपोर्ट में दे देना चाहिए, लेकिन जो लेडी ऑफिसर होती है वो इसकी बातों से डिनाई करती है और जैक से सारी बातें पूछने लगती है। जैक बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है इसलिए वो अपनी सारी बातें बहुत ही अपना मुँह छुपा कर सारी बातों का जवाब दे रहा होता है और पहले तो वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम जैक है। अब लेडी उसे पूछती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, वो बताता है कि उसकी मॉम एक रूम में है जिसमें कोई भी विंडो नहीं है। ये सारी बातें सुनकर उस ऑफिसर को समझ में आ जाता है कि इसकी मॉम को करके रखा गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसकी मॉम को ढूंढेंगे कैसे। और इसके बाद जैक अपने मुंह से मियाँ का एक दांत निकालता है जिसे कि मियाँ ने उसे दिया था। अब लेडी ऑफिसर उसे पूछती है कि उसे कुछ भी बातें याद हो तो वो सारी बातें उसे बता दे। जैक उसे बताता है कि 3 बार जंप करने की उसने कोशिश करी थी ट्रक से जब ट्रक स्लो हो रही थी, और ऑफिसर पूछती है कि ट्रक स्लो क्यों हो रही थी। जैक बोलता है कि उस ट्रक ने 3 बार राइट टर्न लिया था। यहाँ पर दोस्तों वो ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, वो उसे रफ आइडिया हो जाता है कि ये किस एरिया की बात कर रहा है। ऑफिसर सभी पुलिस की टीम को उस एरिया के आसपास के घर को चेक करने के लिए बोलती है, जिसके बाद एक रूम और फाइनली उन्हें वो घर मिल जाता है। अब वो लोग मियाँ को भी बचा लेते हैं और हम देखते हैं दोस्तों कि मियाँ पहले बाहर निकलते ही जैक को गले लगाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। ये इस फिल्म का सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन है क्योंकि 7 साल बाद मियाँ और जैक ने बाहर की दुनिया देखी थी। अब अगले सीन में जैक की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। अब हॉस्पिटल वाले और पुलिस वाले सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे जैक को चाइल्ड केयर वालों को देने के लिए ताकि उसकी और अच्छे से परवरिश हो सके, लेकिन मियाँ उनकी बातों को मना कर देती है और वो बोलती है कि वो जैक के साथ रहेगी। और इस सीन के बाद यहाँ पर मियाँ के मॉम डैड भी आ जाते हैं। मियाँ की मॉम बताती है कि वो लोग अब एक साथ नहीं रहते, उनका डिवोर्स हो चुका है। इसी बीच हमें टीवी से पता चलता है कि ओल्ड निक को भी पकड़ लिया गया है। हम देखते हैं कि जैक इतने सालों बाद बाहर आया था इसलिए उसे एक मास्क और एक गॉगल पहनने के लिए दिया गया था ताकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो उसे धीरे धीरे करके फैमिलियर हो सके। अब जैक भी नॉर्मल हो जाता है और मियाँ उसे लेके अपनी मॉम के घर पर आती है। ये न्यूज़ दोस्तों पूरे अमेरिका में फैल जाती है इसलिए सभी न्यूज़ चैनल वाले उसके घर के बाहर उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे और सभी लोग उसके घर के बाहर उसको घेर लेते हैं। अब मियाँ और जैक दोनों मियाँ के मॉम के घर पर रहने लगते हैं और उसी रात मियाँ के डैड के साथ उसका झगड़ा हो जाता है क्योंकि जो मियाँ के डैड होते हैं वो जैक को अपना ग्रैंडसन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इसी बात पर वो बाहर चले जाते हैं। अब दोस्तों जैक के लिए ये दुनिया बिल्कुल नई होती है क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चीज़ का एहसास नहीं किया था, कोई भी चीज़ महसूस नहीं की थी। वो बार बार अपनी मॉम से उसी रूम में जाने के लिए बोलता है और यहाँ मियाँ को भी रियलाइज़ होता है कि उसके 8 साल उस रूम में बिता दिए। वो अपने स्कूल एल्बम को खोलती है और अपने दोस्तों की फ़ोटोज़ देखने लगती है। मियाँ को एहसास होता है कि उसके बाकी दोस्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, ऐश कर रहे हैं, वो अपनी शादी कर रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, लेकिन उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो गई है। और जैक भी उसे देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। अब यहाँ पर मियाँ को ऐसा लगता है कि उसकी माँ को उसकी कोई फिक्र नहीं है, वो अगर वापस भी नहीं आती तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में दोस्तों मियाँ बहुत ही ज़्यादा सैड होती है इसलिए उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन इनका लॉयर इनके साथ आता है और इनको एक एडवाइस देता है। वो बोलता है कि जैक को प्राइम टाइम इंटरव्यू देना चाहिए ताकि दुनिया को उसकी कहानी पता चल सके और इससे उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे ताकि उन्हें जो फैमिली जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकेगा। सो मियाँ डिसाइड करती है कि वो दुनिया को अपनी सच्चाई बताएगी। अब मियाँ के इंटरव्यू में रिपोर्टर उसे एक बहुत ही अलग सवाल पूछ लेती है कि जब जैक पैदा हुआ था तो उसने जैक को अपने पास क्यों रखा। वो रिपोर्टर पूछती है कि वो चाहती तो ओल्ड निक से बोलकर उस चाइल्ड केयर में भिजवा सकती थी ताकि जैक को ये सारी परेशानी ना झेलनी पड़ती, वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सकता, बड़ा हो सकता। और रिपोर्टर पूछती है कि क्या तुमने उसका सहारा लिया था, तुम उस रूम में अकेली ना पड़ जाओ इसलिए तुमने जैक को अपने पास रखा था। अब यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर मियाँ को भी काफ़ी गिल्टी फील होने लगता है और वो सोचने लगती है कि क्या जैक को अपने पास रखना चाहिए था, अगर वो ओल्ड निक से बोलती तो क्या उसे वो फ्री करवा सकती थी। ये बातें सोचकर वो अपने आप को और ज़्यादा गिल्टी मानने लगती है और एक दिन आत्महत्या कर लेती है। जैक ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जिसके बाद मियाँ को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और यहाँ जैक अकेला पड़ जाता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे इस दुनिया में सेटल होने की कोशिश करता है। एक दिन वो अपनी ग्रैनी से बोलता है कि वो अपने बाल काटकर अपनी मॉम को भेजना चाहता है क्योंकि उसके बाल ही उसे स्ट्रांग बनाते थे, वो इसे अपनी मॉम को भेजकर उन्हें भी स्ट्रांग बनाना चाहता था। और इस बात से हमें पता चलता है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ का प्यार कितना प्योर होता है दोस्तों।
सो अब जैक को अपनी एज के बच्चे भी मिल जाते हैं और उनके साथ वो खेलने लगता है। यहाँ पर मियाँ भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है और जैक को खेलता हुआ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो जैक से सॉरी बोलती है कि उसने जो भी किया और उसे थैंक यू भी बोलती है कि उसने उसकी जान दोबारा बचाई थी। अब ये लोग घर में काफ़ी मज़े करते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं, बर्गर खाते हैं और खूब इन्जॉय करते हैं। जैक को ये सब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगता है और इसके बाद जैक और मियाँ फिर से दोस्तों उस रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें कैद करके रखा गया था। वेल गाइस, जैक यहाँ पर आखिरी बार आना चाहता था। वो सभी चीज़ों को बाय बोलता है, जैसे कि अपनी चेयर और सिंक को, अपने बेड को, सारी चीज़ों को, अपने टॉयज़ को, और लास्ट में दोस्तों माँ और बेटे यहाँ से चले जाते हैं। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल गाइस, इस मूवी में जो माँ और बेटे की एक्टिंग दिखाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की दिखाई गई है, और जो ब्री लार्सन ने एक्टिंग करी थी वो भी काफ़ी कमाल है, इसलिए उन्हें ऑस्कर मिला था। वेल, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर।